नमस्कार। पालक और मूंग की दाल बनाएंगे, छिलके वाली, है ना। 2 गिलास पानी रख दिया है, 2 व्यक्तियों के लिए है, ये गैस पे रख दिया है, ठीक है। दाल को हम अच्छे से धो लेंगे, छिलके वाली दाल ही लेंगे, ठीक है। पालक के संग ये अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है छिलके वाली दाल, है ना। छिलका नहीं उतारेंगे इसका, हम अच्छे से धो लेंगे 2-3 बार। पानी जैसे गर्म हो जाता है उसमें नमक डाल देंगे, फिर इसको डालेंगे जिससे कि झाग नहीं बने, है ना। सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है ना, अच्छे से धोएंगे ना मसल मसल के 2-3 बार, तो झाग नहीं बनेंगे। इसमें मिर्च मसाला डाल देंगे टेस्ट अनुसार, है ना। और थोड़ी देर हम इसको कम आँच पे पकाएंगे, है ना, मध्यम पे, और ढक के रख देंगे। कुकर की रिंग की निकाल के रिंग, उसको भी लगा सकते हो ढक्कन। मैंने प्लेट से ढक के रख दिया है। अब ये देखो पक गए हैं, दाल आधी पकी हो गई है, मतलब अब टमाटर डाल देंगे, है ना। देखो इस तरह से पक जाए ना, तब टमाटर डाल दें, नहीं टमाटर डाल देते हैं ना तो ये क्या गलती नहीं है अच्छे से, है ना। इसे भी हम गलाते हैं थोड़ी देर, टमाटर को 2-3 मिनट ढक के रख देते हैं, देखते हैं थोड़ा मिला है कि नहीं। ये नरम होने के बाद ही इसमें क्या है पालक डालेंगे, है ना। ये देखो मिल चुके हैं, 2-3 मिनट उसको पालक को पकाएंगे ना हम, तो ये पक जाएगी, ठीक है। 2-3 मिनट ही रखें, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि एकदम नरम हो जाते हैं ये तो। पालक बहुत ही नरम होता है ना, गर्म पानी में डालते ही पिघलने लगता है, पानी छोड़ता है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तैयार है सब्जी, इसे 2 मिनट के लिए रख देते हैं ढक के, है ना। अब तड़का लगाते हैं हम, तेल गरम होते ही गैस को बंद कर देंगे। हींग, जीरा, लाल सूखी मिर्च ये चटका लेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे काट के छोटी छोटी, ठीक है। तैयार है तड़का, इसे डाल देंगे और मिला देंगे अच्छे से दाल में, है। बाहर निकाल के बताते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये वाली सब्जी, पालक और मूंग की दाल, ठीक है। तैयार है सब्जी, पालक की और दाल।